हेलो स्टूडेंट्स वोम वेलकम टू इंग्लिश क्लासेस विद शीतल शर्मा बच्चों हम सब जानते हैं कि बर्ड्स अपना नेस्ट ट्रीज़ के ऊपर बनाते हैं तो बर्ड्स के लिए ट्रीज़ बहुत ही वैल्यूएबल होते हैं लेकिन क्या एक ट्री के लिए बर्ड भी उतना ही इम्पोर्टेंट उतना ही वैल्युबल होता है यही सब कुछ डिस्कस किया गया है एलेवेंथ क्लास की हॉर्नबिल बुक से सेकेंड पोएम में जो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं और इस पोएम का टाइटल है द लबैनम टॉप और इसके पोएट हैं टैड ह्यूज टैड ह्यूज़ इज नोन्न ऑफ द बेस्ट पोइट्स जनरेशन एंड ऑल्सो बेस्ट राइटर्स ऑफ देंचुरी फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स टाइटल द लबेनम टॉप लबेनम का मतलब है अमलताज का पेड़ जिस पर येलो कलर के फूल लगते हैं और इसको एज एन ऑर्नामेंटल ट्री यूज किया जाता है पोएम में दिखाया गया है कि जब इस ट्री के टॉप पर ऊपरी हिस्से पर गोल्डफिंच बर्ड आकर बैठती है और वहाँ से उड़कर चली जाती है तो इस पेड़ का रिएक्शन क्या होता है उसकी हालत क्या होती है तो चलिए पढ़ते हैं इस इंटरेस्टिंग पोएम को द लेबैनम टॉप इज साइलेंट क्वाइट स्टिल इन द आफ्टरनून येलो सेप्टेम्बर सनलाइट अ फ्यू लीव्स येलोइंग ऑल ओन इट सीड्स फॉलन लबेनम का टॉप ऊपरी हिस्सा बिल्कुल शांत है बिल्कुल स्टिल है स्टिल मीन्स इसमें कोई भी मूवमेंट नहीं हो रही है कोई भी एक्टिविटी इसके टॉप पर ऊपरी हिस्से पर नहीं दिखाई देती है ये बिल्कुल ही खामोश है साइलेंट है इन दी आफ्टरनून येलो सेप्टेम्बर सनलाइट लाइट सेप्टेम्बर का मंथ है और टाइम है आफ्टरनून का तो ऐसे में जो सन लाइट है वो येलो कलर की दिखाई देती है और पोएट ऐसा कहते क्यों कहते हैं क्योंकि ओटम का सीजन है इस ट्री के कुछ लीव्स येलो कलर के हो गए हैं इस ट्री के सारे सीड्स वो नीचे गिर चुके हैं तो इस तरीके से पोएम की बिगनिंग में ओटम आफ्टरनून में लबनम ट्री की एक लवली पिक्चर प्रेजेंट की गई है सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टिल द कम्स विद ट्विचिंग अ अ अ ब्रांच एंड अब लबनम का टॉप शांत था जब तक गोल्फिंच बर्ड इस पर आकर नहीं बैठी थी गोल्फिंच बर्ड येलो कलर का बर्ड जिसकी हाई पिच साउंड होती है और ये एक सिंगिंग बर्ड होता है अब लबनम के टॉप पर इसकी सिचुएशन चेंज होने वाली है क्योंकि इस पर गोल्फिंच आकर बैठ गई है और पोइट बताते हैं कि ये कैसे आकर बैठती है और कैसी साउंड करती है ट्विचिंग चिरअप ट्विचिंग मीन्स अ सडन शॉर्ट जर्किंग झटाकेदार आवाज़ के साथ चिरप मीन्स हाई पिच साउंड अब ये बर्ड है इसकी साउंड भी बहुत ही झटकेदार वाली है एक सडन साउंड है हाई पिच वाली है और ये बैठती भी कैसे है असडननेस अचानक से स्टार्टलमेंट मीन्स सरप्राइजिंग सबको हैरान करते हुए ये बर्ड अचानक से एक ब्रांच के एंड पर यानी कि एक ब्रांच के किनारे पर आकर बैठ जाती है फिर क्या होता है देन स्लीक एज ए लीजर्ड एंड अलर्ट एंड अब्रप्ट She enters the thickness and अ मशीन स्टार्ट्स अप अब ये बर्ड इसको कंपेयर किया गया है एक लिज़र्ड के साथ क्योंकि जैसे लिजर्ड भी बहुत ही अलर्ट होती है अब्रप्ट मीन्स सडन अनएक्सपेक्टेड एक लिजर्ड इधर उधर देखती है और अचानक से मूव कर जाती है तो ऐसे ही ये बर्ड भी बहुत ही स्लीक है स्लीक मीन्स ग्लोसी शाइनी है और ये भी अलर्ट और अब्रप्ट सडन मैनर से ही अचानक से पेड़ के अंदर घुस जाती है थिकनेस मीन्स जो डेंस ब्रांचेज हैं पेड़ों के जो पत्ते हैं बहुत ज़्यादा घने उनके अंदर घुस जाती है और इसके एंटर करते ही जैसे एक मशीन ही स्टार्ट हो जाती है और ये मशीन किस चीज़ की है पोएट किस को मशीन कह रहे हैं आइए आगे, आगे पढ़ते हैं ऑफ चिटरिंग्स एंड विंग्स एंड ट्रिलिंग्स द होल ट्री ट्रैम्बल्स And thrills, chitterings means a series of high-pitched sounds. Tremor means trembling, quivering movement. Trillings means a vibrating sound. अब जैसे ही golfinch ने tree में enter किया, पत्तों में enter किया, तो एक machine शुरू हो गई और ये machine थी उसके बच्चों की आवाजों की। चिट रिंग्स का मतलब भी हाई पिच साउंड है ट्रैमर ऑफ विंग्स में पंखों के फड़फड़ाने की आवाज़ है वाइब्रेटिंग साउंड्स हो रही हैं क्योंकि जैसे ही बच्चों ने गोल्डफिंच को देखा तो वो अपनी मदर को देखकर बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो गए अपने पंखों को फड़फड़ाने लग गए द होल ट्री ट्रैम्बल्स एंड थ्रिल्स और ऐसे लगता है कि पूरा पेड़ ही खुशी से एक्साइटमेंट से हिल रहा है इट गेट्स थ्रिल्ड एज सुन एज गोल्डफिंच एंटर्स इट तो एक तरीके से ऐसा लगता है कि सारा पेड़ खुशी से नाच रहा है इट इज इंजन ऑफ हर फैमिली शी स्टॉक्स इट फुल देन फ्लर्ट्स आउट टू ब्रांच एंड शोइंग हर पार्ट फेस आईडेंटिटी मास्क अब पोयर जो है गोल्ड को एक इंजन से कंपेयर करते हैं जैसे एक इंजन ही एक मशीन को फ्यूल एनर्जी देता है बिना इंजन के एक मशीन चल ही नहीं सकती वैसे ही ये गोल्ड भी अपनी फैमिली के लिए इंजन का ही काम करती है शी स्टोक सेट फुल स्टोक का मतलब वो अपने बच्चों को भरपेट खाना खिलाती है शी फीड्स दैम ओल्ड टू देयर फिल उट टू अ ब्रांच एंड फ्लर्ड्स मीन्स मूव आउट और फिर वो अचानक से उड़कर ब्रांच के एंड पर किनारे पर आकर बैठ जाती है शोइंग हर बार्ड फेस आइडेंटिटी मास्क बार्ड मींस मार्स्ड विथ बार्ड्स और स्ट्राइप्स गोल्फिंच बर्ड येलो कलर की होती है और इसके चेहरे पर जो ब्लैक कलर की बार्स हैं इसी वजह से वो इस लबनम ट्री में से विजिबल होती है क्योंकि लबनम के फ्लावर्स भी येलो कलर के हैं और बर्ड का कलर भी येलो कलर तो उसकी ब्लैक बार्स ही उसकी आइडेंटिटी मास्क बन जाती हैं तो चलिए आगे पढ़ते हैं स्परिंग्स शी लॉन्चेस अवे टूअर्ड्स द इनफाइनाइट एंड द लबान सबसाइड्स टू एम्पिटी इीन्स स्ट्रेंच एंड फ्राइटनिंग डेलीकेट मीन्स जेंटल विसल चिरप मीन्स सी टी जैसी आवाजें तो ये बर्ड जब ब्रांच के एंड पर बाहर आकर बैठ गई है उसके बाद ये अजीब सी डरा देने वाली और सीटी जैसी चिरप निकालती है और फिर ये क्या करती है शी लॉन्च अवे मीन्स फ्लाइज अवे वो दूर उड़ जाती है किस तरफ टूवर्ड्स द इन फाइनाइट असीमित आसमान की तरफ वापस से ये उड़ जाती है एंड द लबेनम सबसाइड्स टू एम्पटी सबसाइड मीन्स गो डाउन टू अ नॉर्मल लेवल और लबेनम का पेड़ वापस से फिर से वही खाली खाली लगने लग जाता है जैसा कि पोएम की बिगनिंग में हमने देखा था इसका टॉप बिल्कुल साइलेंट और स्टिल था वैसी ही साइलेंस और स्टिलनेस इसमें पोएम की एंडिंग में हमें फिर से दिखाई देती है और अब पोएम के टेक्स्ट को पढ़ने के बाद हम डिस्कस करते हैं कि कौन सी पोइटिक डिवाइसिस इस पोएम में यूज की गई हैं सबसे पहले ये बच्चों इस पोएम को फ्री वर्ड्स में लिखा गया है इसमें कोई भी राइम स्कीम यूज नहीं की गई है राइम स्कीम का मतलब होता है हम हर सेंटेंस के लास्ट वर्ड को देखते हैं और ये देखते हैं कि क्या उनका साउंड पैटर्न सेम है क्या वो म्यूजिकल इफेक्ट क्रिएट कर रहे हैं तो चलिए देखते हैं इस पोएम में राइम स्कीम कैसे नहीं है फर्स्ट सेंटेंस का लास्ट वर्ड देखिए स्टिल नेक्स्ट का सनलाइट थर्ड का फोलन नेक्स्ट का चिरप और उसके बाद है एंड तो कोई भी वर्ड जो है उसका साउंड मैच नहीं कर रहा है तो हम कह सकते हैं कि इसमें कोई भी राइम स्कीम यूज़ नहीं की गई है नेक्स्ट पोइटिक डिवाइस है सिमली एंड मेटाफर हमारी पोएम में सेंटेंस आया था देन स्लीक एज अ लिजर्ड गोल्ड फिंच को लिजर्ड से कंपेयर किया गया है क्योंकि गोल्ड फिंच शाइनी स्मूथ है लीजर्ड की तरह उसकी मूवमेंट भी लीज़र्ड की मूवमेंट से ही मैच करती हैं तो यहाँ पर एज वर्ड को यूज़ किया गया है तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि सिमनी को यूज़ किया गया है नेक्स्ट है अ मशीन स्टार्टअप जैसे ही गोल्डफिंच एंटर करती है तो उसके यंग वनस के पंखों के फड़फड़ाने की आवाज़ आती है और इन सारी साउंड्स को मशीन की साउंड से कंपेयर किया गया है लेकिन एज और लाइक वर्ड यूज़ नहीं किए गए हैं तो हम यहाँ पर कहेंगे कि मेटाफर यूज़ किया गया है मेटाफर का नेक्स्ट एग्जाम्पल है इट इज़ दी एंजिन ऑफ हर फैमिली गोल्ड फिंच को उसकी फैमिली के लिए एक एंजिन माना गया है उसको कंपेयर किया गया है एंजिन के साथ तो यहाँ पर भी मेटाफर यूज़ किया गया है पोइटिक डिवाइसेस के बाद अब हम इस पोएम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन इज़ वोट डू यू नोटिस अबाउट द बिगनिंग एंड द एंडिंग ऑफ द पोएम इस पोएम की बिगनिंग और एंडिंग के बारे में आप क्या नोटिस करते हैं आंसर इज़ द पोएम बिगिन विद द सीन ऑफ साइलेंट एंड स्टिल लबनम ट्री पोएम बिगिन होती है एक साइलेंट और स्टिल लबनम ट्री के साथ वी फाइंड द सेम सिचुएशन इन द एंडिंग ऑल्सो एंडिंग में भी लबनम ट्री बिल्कुल स्टिल है साइलेंट है एम्पटी है सो द बिगनिंग एंड द एंडिंग ऑफ द पोएम प्रजेंट द सेम सीन इस तरीके से पोएम की शुरुआत में और एंडिंग में एक ही सीन को दिखाया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन इज वॉट इज द बर्ड्स मूवमेंट कम्पेयर टू वॉट इज द बेसिस फॉर द कम्पेरिजन बर्ड की मूवमेंट को किसके साथ कंपेयर किया गया है और उसका कंपेरिजन का क्या कारण है आंसर इज द पोएट कंपेयर्स द बर्ड्स मूवमेंट टू दैट ऑफ अ लीजर्ड पोएट बर्ड की मूवमेंट को लीजर्ड की मूवमेंट के साथ कंपेयर करते हैं बिकॉज गोल्डफिंच मूव्स इन एन अलर्ट एंड अब्रप्ट मैनर एज अ लीजर्ड डज क्योंकि गोल्फिंच भी बिल्कुल अलर्ट तरीके से सडन अनएक्सपेक्टेड तरीके से ही मूव करती है जैसे कि एक लिजर्ड करती है नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई इज द इमेज ऑफ द इंजिन इवोक्ड बाई द पोएट पोएट ने एंजिन के इमेज को क्यों इवोक किया है आंसर इज इट इज एन एंजिन विच मेक्स ए मशीन रन स्मूथली एक इंजन की वजह से ही तो एक मशीन अच्छे से काम करती है सिमिलरली द गोल्फिंच इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर हर फैमिली इसी तरीके से जैसे एक इंजन मशीन को एनर्जी देता है फ्यूल देता है ऐसे ही गोल्फिंच भी अपनी फैमिली के लिए एनर्जी का सोर्स है द होल ट्री गेट्स थ्रिल्ड एज सुन एज द एंटर्स इट पोएम में दिखाया भी गया है कि पूरा पेड़ हिलने लग जाता है एक्साइटेड हो जाता है जैसे ही गोल्फिंच इस पर आकर बैठती है नेक्स्ट क्वेश्चन इज वट डज द फ्रेज हर बार्ड फेस आइडेंटिटी मास्क मीन पोए में एक फ्रेज यूज़ किया गया है हर बार्ड फेस आइडेंटिटी मास उस फ्रेज का क्या मतलब है आंसर इज अमंग द थिक येलो लीव्स ऑफ द लबनम ट्री द येलो गोल्डफिच बिकम्स विजिबल विद द हेल्प ऑफ हर ब्लैक बार्स ऑन हर फेस ये हमने डिस्कस किया था कि लेबनम के जो फ्लावर्स हैं वो भी येलो कलर के हैं और ये बर्ड भी येलो कलर की है तो गोल्ड फिंच विजिबल होती है ओनली बिकॉज ऑफ हर ब्लैक बार्स ऑन हर फेस उसके फेस पर जो ब्लैक कलर की बार है उससे सो इट बिकम्स हर आइडेंटिटी मास्क इसीलिए पोइट उसके बार्ड फेस को उसका आइडेंटिटी मास्क कहते हैं एंड इन the poem. The poem, hughes presents समरी ऑफ द its top is टॉप and टेड in ट्री इट्स इन sunlight सेम टॉप टेड ह्यूज के द्वारा लिखी गई है इसमें एक लबेनम का पेड़ दिखाया गया है जिसका टॉप बिल्कुल साइलेंट है स्टिल है उसके आगे देखते हैं हम सडनली अ गोल्ड फिंच फ्लाइज टू ब्रांच लाइक अड इट क्विकली एंटर्स द थिक लीव्स ऑफ द ट्री अचानक से गोल्ड फिंच इसकी एक ब्रांच के एंड पर आकर बैठ जाती है और एक छिपकली की तरह ही ये पेड़ के थिक लीव्स में एंटर कर जाती है दर फैमिली एंजिन बिकम्स अलाइव और गोल्ड फिंच के आते ही पूरी फैमिली का एंजिन अलाइव हो जाता है एक्टिव हो जाता है द गोल्ड फिंच फीड्स आर यंग वंस टू द फिल गोल्ड फिंच अपने छोटे छोटे बच्चों का भर जो है उन्हें खाना खिलाती है दैन शी अगेन फ्लाइज टू द स्काई और फिर वो वापिस से उड़कर आसमान में चली जाती है द लबैनम ट्री अगेन बिकम साइलेंट एंड स्टिल एज इट वॉज बिफोर द अराइवल ऑफ़ दी गोल्ड फिंच और लबेनम का पेड़ वापिस से शांत स्टिल हो जाता है जैसे कि ये गोल्डफिंच के आने से पहले था एंड विद ऑल दिस